क्वेश्चन नंबर थ्री का थर्ड पार्ट, ठीक है। कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls फॉर RS 3800। एक कोच है जो क्या कर रहा है, 7 bat और 6 ball क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, खरीद रहा है, ठीक है ना, कितने के, 3800 के, ठीक। लीडरशिप बाइज 3 bats and 5 balls फॉर RS 1750, ठीक है। बाद में वो क्या करती है कि 3 bats और 5 ball और बाई करती है, ठीक है, कितने के, 1750 के। कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब हमें क्या करना है, हर एक बैट की और हर एक बॉल की क्या करनी है, कीमत निकालनी है। बैट हमारे पास कितने हैं, 7 है, लेकिन हमें उसकी कॉस्ट का पता नहीं है। लेट करते हैं हम क्या, एक्स बी द कॉस्ट ऑफ ए बैट। एक्स जो है वो कॉस्ट है किसकी, एक बैट की है, ठीक, एंड वाई बी द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, ठीक है। बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, एक्स है, ठीक, और जो बॉल की कॉस्ट है वो कितनी है हमारे पास, वाई है, ठीक। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। कहता है 7 bat, देखिए अगर एक बैट की कीमत 100 rupees है तो 2 की कितनी हो जाएगी, 200, 3 की कितनी हो जाएगी, 300, 4 की 400, मतलब ये हुआ आपको एक बैट की कीमत पता होनी चाहिए, बाकी जितने उसने कहे हुए हैं कितने बैट हैं तो मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे 4 bat की कीमत आपने 400 निकाली, तो आपको एक बैट की कीमत पता थी कि 100 है, तो 4 की आपने किया, 4 multiply 100 किया, ठीक है ना, 400 हो गया, 5 का हुआ तो 5 multiply 100 किया तो 500 हो गया। उसी तरह से हमारे पास जो बैट हैं वो कितने हैं, 7 है, कितने हैं, 7 है, और आपको पता है एक बैट की कीमत कितनी है, एक्स है, तो 7 की क्या हो जाएगी, 7 into x करेंगे, तो 7 into x करके क्या आता है, 7x आता है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 7 into x तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक। ये रही हमारे पास कौन सी, 7 bat की कॉस्ट, ठीक, प्लस हमारे पास क्या, 6 balls, तो एक बॉल की कीमत क्या है, एक्स है, तो 6 की बॉल की कीमत क्या होगी, 6y होगी, ठीक है, इज इक्वल टू 3800, ठीक है, 3800, ठीक। नेक्स्ट है, एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या, लीडरशिप वाइज, बाद में उसने क्या किया, 3 bat और 5 ball उसने और खरीदे, 3 bat, तो 3 bat की कीमत क्या हो जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक है। तो ये रही हमारे पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारे पास कौन सी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इक्वेशन फर्स्ट में देखें आप क्या है, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। तो 7x इज इक्वल टू 3800, ठीक, ये प्लस का 6y इधर के क्या जाएगा, माइनस का 6y, ठीक, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y। देखिए यहाँ पर ये 7 इधर लगा हुआ है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये रही हमारे पास कौन सी थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड को इन इक्वेशन सेकंड में, ठीक है ना, थर्ड को डालेंगे किस में, सेकंड में, ठीक है ना। तो सेकंड हमारे पास क्या, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक। तो 3 का 3, ठीक है, x की जगह हमने वो सारी वैल्यू उठा के यहाँ डालनी है, ये वाली सारी, ठीक है ना। तो क्या है, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 into 0 करें कितना जगह, 0 जगह, 3 into 0 करें 0 जगह, 8 3 से कितना होता है,
24 तीन बज के पीछे, ठीक है ना, 3 3 9 9 एंड 2 कितना 11, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 6 3 18, ठीक है ना, 18 बाई अपॉन क्या है 7 प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 1750, ठीक है। अब देखिए 11400 माइनस 18 बाई, ठीक, देखिए ये प्लस आपको दिख रहा है तो ये आपको यहाँ पे आपने ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है ना, ठीक है जी, ऐसे है ये, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस सारे को जब हम क्या करेंगे, इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये आएगा, ठीक। फिर प्लस 5 बाई इंटू 7, तो 5 बाई इंटू 7 करें कितना होता है 35 बाई, ठीक है ना, अपॉन कितना आएगा 7, तो ये 7 कहाँ चला जाता है बाद में, अगर इक्वल टू को इधर लाएंगे तो 1750, ये 7 जो नीचे आएगा ना वापस, इसको इक्वल टू के उधर लेके चले जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या निकला, 11400, ठीक। अब ये 35y है और माइनस 18y है, ठीक है ना, तो 35 माइनस 18 करेंगे कितना होता है प्लस 17y आएगा, कितना आएगा 17y इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 7 × 0 करें कितना होगा 0 होगा, ठीक है ना, 7 5 7 35, तीन बज के पीछे 7 7 7 49 49 प्लस 3 करें कितना होता है 52, तो 5 बजे पीछे 7 1 7 एंड 5 कितना हो गया 12, कितना हो गया 12, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, दोनों को माइनस करें कितना आएगा, विच इम्प्लाइज 17y इज इक्वल टू आएगा हमारे पास, जीरो में से जीरो निकाले, जीरो ही होगा, 5 का 5 ही होगा, ठीक है ना। यहाँ आपके पास कितना है, 5 का यहाँ हो गया 2, तो 2 से 4 निकले 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 12 में से 4 निकालने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ था हमारे पास कितना 1, ठीक है, तो 1 में से 1 निकालेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। तो इधर भी ये रहेगा हमारे पास क्या 0, ठीक है, तो ये 0 के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, ठीक है ना, तो y इज इक्वल टू 17 1 17 17 5 से कितना होता है 85 होता है, ठीक है ना, तो 50 हो गया हमारे पास, ठीक है। देयर फोर y हमारे पास कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है ना, मतलब जो बॉल की कीमत है वो कितनी है 50 है, ठीक है ना। अब इसको हम करेंगे पुट, पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, थर्ड में पुट करना है इसको, ठीक है ना, थर्ड। तो देखिए थर्ड हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू वाई, वाई देखिए हमारे पास कितना है, ये है 50 अपॉन क्या है 7 है, इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50 करें कितना होता है 300, ठीक, अपॉन क्या हो गया 7, इज इक्वल टू 1300 माइनस 300 करें कितना होता है 3500, ठीक है, अपॉन 7, 7 1 7 7 5 35, तो कितना होगा 500, तो 500 में हमारे पास क्या x, मतलब x के हमारे पास कॉस्ट ऑफ ए बैट, ठीक है, एंड 50 इज द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, ठीक है ना। आई होप आप ये समझ गए होंगे, ठीक है।